अंधा शेर और जादुई फूल सांप। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जिसका नाम था सिम्बा। सिम्बा बहुत ही दयालु और शांत स्वभाव का था। सिम्बा के राज्य में जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। सिम्बा एक जादुई फूल की रक्षा कर रहा था। सिम्बा के पूर्वज पीढ़ी दर पीढ़ी उस जादुई फूल की रक्षा कर रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक एक दिन एक शैतानी शक्तियों वाला सांप उस जादुई फूल की तलाश में जंगल में आता है। जो भी जानवर उसके रास्ते में आता वो उसे डस लेता था। जब ये बात सिम्बा को पता चली तो वो गुस्से से उस सांप से लड़ने निकल पड़ा, पर सांप की शैतानी शक्तियों के सामने सिम्बा टिक नहीं पाता। सांप अपनी शैतानी शक्तियों से सिम्बा की आंखों की रोशनी छीन लेता है। देखो सांप, तुम अपनी शैतानी शक्तियों का यूं गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। छोड़ दो इन मासूम जानवरों को। हाँ सिम्बा, मैं उन्हें छोड़ दूंगा। उन्हें क्या, तुम्हें भी छोड़ दूंगा। इसके बदले तुम मुझे उस जादुई फूल का पता बता दो जिसकी रक्षा तुम पारंपरिक तौर पर कर रहे हो। मेरे जीते जी, मैं वो फूल तुम्हें नहीं दूंगा, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। अरे ओ सिम्बा के बच्चे, मैं चाहूँ तो पलक झपकते ही तुझे मार सकता हूँ, पर मुझे वो जादुई फूल चाहिए जो आने वाली अमावस्या को तू मुझे ला कर देगा। ये होने वाली बात नहीं है, तू बस सपना देखता रहे। तूने मेरी आंखों की रोशनी तो ले ली, पर वो जादुई फूल मुझसे नहीं ले सकता। यूं सिम्बा बोल ही रहा था कि सांप वहां से हंसते हुए चला जाता है। सिम्बा इस बात से अनजान जोर जोर से दहाड़ मार रहा था। सारे जानवर सिम्बा के पास इकट्ठा होते हैं। महाराज शांत हो जाइए, वो तो कब का चला गया, अब हम क्या करें? ये दुष्ट हम सबको मार डालेगा, उसने आपकी आंखों की रोशनी भी छीन ली। देखो, तुम लोग किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, वो दुष्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नहीं, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम जानते हैं कि वो राक्षस आपसे उस जादुई फूल को छीन लेगा। वो आपके साथ साथ हम सबको भी मार डालेगा, पर हमें इसकी कोई चिंता नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगा, पर उस जादुई फूल को उस राक्षस के हाथ नहीं लगने दूंगा। सारे जानवर सिम्बा की हालत को देख उदास होते हैं। सांप की दहशत बढ़ती जा रही थी। दिन बीतते गए, आखिरकार अमावस का दिन आ ही गया। सांप बहुत ही खुश था कि उसे जादुई फूल मिलने वाला है। वहीं दूसरी ओर बाकी के जानवर और सिम्बा बहुत उदास थे। उन सब के दिलों में डर था कि सांप उनके साथ क्या करेगा। अरे ओ सिम्बा, चल मेरे साथ और बता कि वो जादुई फूल कहाँ है। नहीं, तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो, पर मैं तुम्हें उस जादुई फूल का पता नहीं बताऊंगा। मुझे पता था कि तुम्हें अपने जान की कोई परवाह नहीं है। मैंने तुम्हारी आंखें छीन ली, पर फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि ये कहकर सांप एकदम से लोमड़ी की ओर जाता है। अरे ओ लोमड़ी, बता अपने महाराज को कि वो जादुई फूल मुझे दे दे, नहीं तो मैं तेरे सामने ही तेरे बच्चे को डस लूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, देखो बच्चों पर रहम करो। अरे बंद कर अपना भाषण, वैसे लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये कहकर सांप लोमड़ी के बच्चे को डसने ही वाला था कि हिरन बीच में आती है और सांप उसे डस लेता है। हिरन मर जाती है। ये देख जानवर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अरे शेर, तुम तो ये देख नहीं पा रहे हो, पर इनकी दर्द भरी चीखें तो सुन रहे हो ना। देखो, तुम उन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। ये लो, अब अंधा मुझे धमकी दे रहा है। यूं सांप अपने ही घमंड में एक के बाद एक जानवरों को डसते जा रहा था। जानवरों में हाहाकार मच गया। सिम्बा सांप को रोकने के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भाग रहा था, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो पेड़ों से टकरा कर घायल हो जाता है। देखो, जानवरों को छोड़ दो, मैं तुम्हें वो जादुई फूल का पता बताता हूँ।
सिम्बा सांप को लेकर जादुई फूल के पास जाता है। वो जादुई फूल एक पेड़ पर लगा हुआ था। सांप फूल को देखकर खुश हो जाता है। आखिरकार मेरा सपना सच होने वाला है। अब मैं सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। मुझे हराने वाला कोई नहीं होगा। मैं अमर बन जाऊंगा। तुम्हें वो जादुई फूल मिल गया ना, अब हम सबको छोड़ दो। मैं क्या तुझे बेवकूफ लग रहा हूँ जो तुम सबको छोड़ दूंगा? यू सांप सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कभी इधर भागता तो कभी उधर। यू वो पेड़ और पत्थरों से टकरा रहा था। पहले से ही वो घायल था, अब और भी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका था। ये देख सांप बहुत खुश होता है। वो सिम्बा पर आखिरी वार करने ही वाला था कि अचानक से मौसम में बदलाव आता है। जोर की आंधी चलने लगती है, बिजली कड़कती है। उस बिजली के साथ साथ पेड़ पर लगे उस जादुई फूल में एक सुनहरी रोशनी आती है, जिसे देख सांप डर जाता है। अरे वाह साहब, तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। तुमने मुझे हासिल करने के लिए सिम्बा की आंखों की रोशनी छीन ली और मासूम जानवरों को मार डाला। मैं तो बस सिम्बा की परीक्षा ले रहा था कि वो किस हद तक मेरी रक्षा कर सकता है। उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की मुझे तुझ जैसे दुष्टों के हाथ से बचाने के लिए। मैं सिम्बा से बहुत खुश हूँ, उसने अपने पूर्वजों की लाज रख ली। यू जादुई फूल सिम्बा को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है, जिसे पाकर सिम्बा के सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। वो जादुई फूल का धन्यवाद करता है। ये देख सांप डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ता है और उसे मार डालता है। सारे जानवर ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यू सिम्बा और बाकी जानवर जादुई फूल का धन्यवाद करते हैं और खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। जादुई सफेद शेर और सुनहरा शेर। एक सुंदर सा जंगल था जिसमें कई सारे जानवर रहते थे। वो सब मिलजुल कर बड़े ही मजे से अपना जीवन गुजार रहे थे। उस जंगल का राजा एक सुनहरा शेर था जो बहुत ही दयालु था। उसे हमेशा जंगल और जंगल के जानवरों की चिंता रहती थी। जंगल के जानवर भी अपने राजा से बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था कि अचानक एक दिन पास के जंगल से एक खूंखार बाघ आता है, जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। उस बाघ के पास कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी। वो वहाँ के जानवरों को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे वाह, कितने सारे जानवर हैं। इन्हें देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। लगता है मुझे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं होगी। यू बाघ एक एक कर बड़ी ही बेरहमी से जानवरों का शिकार करने लगा। जंगल में धीरे धीरे जानवरों की संख्या कम होने लगी। ये देख बाकी के जानवर परेशान होने लगे। वो सब एक जगह इकट्ठा होकर यू बातें करने लगते हैं। दोस्तों, तुम्हें नहीं लगता क्या कि हमारे जंगल के जानवर दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं? हाँ दोस्त, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पहले तो मैं सोच रही थी कि शायद ये मेरा वहम है, पर अब ऐसा नहीं है। दाल में कुछ काला है। हम ये बात महाराज को बताते हैं, शायद वो इसका कोई हल निकाले। ये कहकर सारे जानवर सुनहरे शेर के पास जाते हैं। अरे तुम सब यहाँ इस वक्त, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे जंगल के कई सारे जानवर दिखाई नहीं दे रहे हैं। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। क्या, जानवर दिखाई नहीं दे रहे हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? यही कही गए होंगे। तुम लोगों ने अच्छे से ढूंढा कि नहीं? सुनहरा शेर जानवरों से बात कर रहा था कि दूसरी ओर बाघ एक सुअर का शिकार कर खा रहा था। ये सब उधर से गुजर रहा बंदर देख लेता है और वो भागता हुआ शेर के पास जाता है और सारी बात बताता है। बंदर की बात सुन बाकी के जानवर डर जाते हैं। तब सुनहरा शेर कहता है, उस बाघ की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे जानवरों का शिकार करे। दोस्तों, तुम लोग घबराओ मत, मैं जल्द ही उसे इस जंगल से भगा दूंगा।
ये सुनकर सारे जानवर राहत की सांस लेते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सुनहरा शेर बाघ को ढूंढते हुए निकलता है। कुछ दूर जाते ही सुनहरे शेर को बाघ दिखता है, जिसे देखकर सुनहरा शेर कहता है, अरे ओ बाघ, तेरी ये मजाल कि तू मेरे जंगल में आकर मेरे ही जानवरों का शिकार करे। तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू ये जंगल छोड़कर चला जा, वरना तेरी खैर नहीं। अरे ओ शेर, तू राजा होगा इस जंगल का, मेरा नहीं, समझा? मैं एक जादुई बाघ हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चला जा यहाँ से। यूं उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है। सुनहरा शेर बाघ की ताकत के सामने टिक नहीं पाता और वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। शेर बहुत घायल हो चुका था, वो भाग भी नहीं पा रहा था। वो थक कर एक गुफा के सामने खड़ा होता है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मेरे जंगल की रक्षा कर, मेरी मासूम प्रजा उस शैतानी बाघ का सामना नहीं कर पाएगी, प्लीज हमारी मदद कर। यूं शेर प्रार्थना कर रहा था कि तभी उस गुफा में से एक आवाज आती है, अरे ओ सुनहरे शेर, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर सुनहरा शेर गुफा में जाता है। वो गुफा एक जादुई गुफा थी, जिसमें एक जादुई सफेद शेर था। सफेद शेर सुनहरे शेर से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? सुनहरा शेर सफेद शेर को सारी बात बताता है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर इसके लिए तुम्हें एक बलिदान देना होगा। कैसा बलिदान? मैं तुम्हें कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगा, जिसे पाकर तुम उस बाघ का अंत कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने शरीर को त्यागना होगा। ये सुनकर सुनहरा शेर चौंक जाता है। हाँ, जैसे ही तुम उस बाघ का अंत करोगे, तुम्हें वापस यहाँ आना होगा और अपने शरीर को मेरे लिए त्यागना होगा। कहो मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। सुनहरा शेर एक पल के लिए सोच में पड़ जाता है और वो मान जाता है। सफेद शेर सुनहरे शेर को कुछ जादुई शक्तियाँ देता है। तब सुनहरा शेर वापस जादुई बाघ के पास जाता है। बाघ सुनहरे शेर को देखकर हंसता है और कहता है, अरे ओ बुजदिल, तुम फिर वापस आ गए, लगता है तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं। चलो, वैसे भी आज मैंने सुबह कोई शिकार नहीं किया, अब तुम्हें ही शिकार करके खा लेता हूँ। ये कहकर बाघ शक्तियों का उपयोग कर एक मानव बाघ में बदल जाता है। सुनहरे शेर और मानव बाघ के बीच जमकर लड़ाई होती है। सुनहरा शेर अपने जादुई शक्तियों से मानव बाघ को मार डालता है और वापस सफेद शेर के पास जाता है और कहता है, हे सफेद शेर, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुम्हारी वजह से मैंने उस शैतानी बाघ को मार डाला और वादे के मुताबिक तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझे मारकर मेरे शरीर को ले सकते हो। अरे दोस्त, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं देखना चाहता था कि तुम्हें अपनी जान प्यारी है या बाकी जानवरों की। तुम मेरी परीक्षा में जीत गए, जाओ जाकर ऐसे ही ईमानदारी और सच्चे मन से जंगल पर राज करो। इस तरह फिर से जंगल के सारे जानवर सुनहरे शेर के राज्य में हंसी खुशी से जीवन गुजारने लगते हैं।